ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले हम 5 चेन डालेंगे। ये हमने 5 चेन डाल ली हैं। अब पहली चेन में से हम धागा निकालते हुए ऐसे बुनेंगे। यहाँ पर 2 चेन बुनने के बाद ये जो होल है उसमें से अब हम 6 फंदे बुनेंगे। ये हमारा दूसरा फंदा हो गया, ये 3, 4, 5 और ये 6। ये देखिए, ये हमारे 6 फंदे हो गए हैं। अब हम ये जो हमारा पहला फंदा है उसमें से धागे को निकालते हुए अब हम यहाँ पर इसे बंद कर देंगे और धागे को काट देंगे। अब देखिए, ये इसके पीछे से हम यहाँ पर से दूसरे रंग के धागे को उठाकर ऐसे बुनेंगे। यहाँ पर हम 2 चेन डालेंगे। 2 चेन डालने के बाद फिर से पीछे से हम यहाँ से फंदे को उठाएंगे और फिर 2 चेन डालते हुए फिर एक फंदे को पीछे से उठाएंगे। यहाँ पर हम ऐसे 5 बार चेन डालते हुए 5 फंदों को उठाएंगे। आखिरी चेन को हम जो हमने पहली चेन बुनी थी उसके साथ बुनते हुए उठाएंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पर 2 चेन डालेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर ये जो हमने रेड धागे से 5 बार 2-2 की चेन बुनी है यहाँ से हम फंदों को बुनेंगे। यहाँ पर हम 3 फंदे बड़े बुनेंगे। एक फंदा छोटा बुनेंगे। अब इसके बाद 2 की चेन डालेंगे और फिर 3 बड़े फंदे बुनेंगे। ये दूसरा फंदा और ये तीसरा फंदा। ये 3 फंदे बुनने के बाद एक फंदा छोटा बुनेंगे और फिर 2 की चेन बनाते हुए ऐसे ही हम ये 5 पत्ती बनाएंगे। बस यही ध्यान रखना है कि इसमें 3 फंदे बड़े बनेंगे और एक फंदा छोटा बनेगा।
अब ये जहाँ पर पहले हमने शुरू किया था वहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया है, और अब यहाँ से धागा काटकर हम दूसरे धागे से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ऐसे हम पीछे से फंदे को उठाते हुए बुनेंगे। पहले हमने यहाँ पर दो चेन डाली थी, अब हम तीन चेन डालेंगे। ये हमने एक लूप बना लिया है, और तीन चेन डालने के बाद ये हमारा दूसरा लूप बन गया है। ये फिर तीन चेन डालने के बाद ये हमने तीसरा लूप बना लिया। ये देखिए, ऐसे ही हम ये बुनते हुए छह लूप डालेंगे, जिससे कि हम यहाँ पर छह पत्तियाँ बनाएंगे। ये हमारा छठा लूप है, ये हमने पहले लूप के साथ यहाँ पर बंद कर दिया। ये देखिए, ये पीछे से ऐसा दिखाई देगा। अब दो चेन डालकर एक बड़ा फंदा डाला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चार फंदे बड़े डालेंगे और फिर दूसरे लूप में छोटा फंदा बुनेंगे। अब फिर दो चेन डालने के बाद फिर चार बड़े फंदे डालेंगे, और उसके बाद तीसरे लूप में छोटा फंदा डालेंगे। ऐसे ही हम ये सारी फूल को बनाएंगे। यहाँ पर हम ये अपनी छठी पत्ती बनाएंगे। ये हमने दूसरा बड़ा फंदा बनाया, ये तीसरा, ये चौथा, और अब जो छोटा लूप है उसको हम पहले वाले लूप में बनाएंगे। ये देखिए, ये पहले वाले लूप में से हमने ये फंदा उठाया है, और ये अब हमारे फूल तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे एक रंग में भी बना सकते हैं या दो रंगों में भी बना सकते हैं। यहाँ पर अब हम दूसरी तरह का फूल बनाना सीखेंगे। ये हमने पांच की चेन डाल ली है, और पहली चेन में से हम इसे ऐसे निकालते हुए बंद कर लेंगे, और दो की चेन बुनकर एक, दो, तीन फंदे बड़े बुनने के बाद एक छोटा फंदा बुनेंगे। अब दो की चेन डालेंगे,
और फिर तीन बड़े फंदे बुनेंगे। तीन फंदों के बाद फिर छोटा फंदा बुनेंगे। ये हमने अपनी चार पत्तियां बना ली हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे और धागा काटने के बाद दूसरे धागे से हम पीछे से ऐसे फंदे को उठाते बुनेंगे। यहाँ पर हम तीन चेन डालेंगे। ये तीन चेन डालने के बाद पीछे से फंदा उठाकर ऐसे बुनते हुए तीन चेन डालकर फिर पीछे से फंदा उठाएंगे। ऐसे ही बुनते हुए हम छह चेन डालेंगे। ये हमारी चौथी चेन है और देखिए, ये मैंने धागे ऐसे पीछे हटाकर फिर ऐसे बुना है। इससे फूल में सफाई आएगी और धागे पीछे हो जाएंगे। ये हमारी पांचवी चेन हो गई और ये हमारी छठी चेन है। छठी चेन में हम पहली चेन के साथ मिलाते हुए बुनेंगे। अब यहाँ पर तीन की चेन डालेंगे। अब ऐसे दो बल डालने के बाद हम ऐसे फंदे को बुनेंगे। ये देखिए, ये दो बार बल डालने के बाद फिर ऐसे एक, ये दो, ये तीन। अब इसके बाद तीसरा फंदा हम सिंपल बड़े वाला बुनेंगे। ये देखिए, दो डबल वाले फंदे हैं और तीसरा सिंपल वाला और ये चौथा छोटा। अब इसके बाद अब फिर तीन की चेन डालकर फिर दो फंदे डबल बल वाले बुनेंगे। तीसरा फंदा सिंपल एक बल वाला बड़ा बुनेंगे। चौथा बिना बल वाला छोटा फंदा बुनेंगे। ऐसे ही हम ये अपने छह पत्तियां बनाएंगे। तीन की चेन डालकर दो बलों वाला फंदा बुनेंगे। दूसरा दो बलों वाला फंदा बुनेंगे। और तीसरा फंदा सिंपल बड़े वाला बुनेंगे। एक बल वाला बड़ा फंदा बुनेंगे और चौथा फंदा छोटा बिना बल वाला बुनेंगे। तीन फंदे बड़े बुनने के बाद चौथा छोटा फंदा हम पहली पत्ती में से ऐसे निकाल कर इसे बंद कर देंगे। ये देखिए, ये फूल ऐसे
प्यासे बनकर तैयार हो गए हैं और ये आप चाहे तो बच्चों की टोपी पर या उनके स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट पर भी लगा सकते हैं। और ये बड़ा वाला फूल दो बलों वाले फंदों से बना हुआ है। ये सारा फूल वैसे ही बनाया हुआ है और ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए, इसके बीच में पहले मैंने गोल बनाया और बाद में ये फूल बनाया। ये देखिए, ये मैंने थाल के कवर पर भी फूल बनाकर लगाए हैं। ये एक रंग का फूल बनाकर लगाया है।